देखो कल का एक बीड था, हम लोगों ने भर रहे थे। बीड नंबर मैंने लिख रख लिया है, इसकी बीड नंबर है। और बीड के लिए हम लोगों ने कल कैटलॉग बनाया था, है ना। हमारा अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ था, अप्रूवल नहीं हुआ था तो हम लोग वहां पे रुक गए थे। कल हम लोगों ने कैटलॉग बना के छोड़ दिया था, तो बीड नंबर यहाँ डालेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आना चालू हो जाएगा, है ना। यहाँ के बाद हम लोग रुक गए थे क्योंकि इसके बाद अपने को वो कैटलॉग वहां पे नहीं दिख रहा था। तो अभी कैटलॉग अपने को नहीं दिख रहा था, तो अभी अपने को वहां पे कैटलॉग, तो हम लोगों ने क्या किया था, कल मार्केट में गए और जैसा स्पेसिफिकेशन बोला है उसके हिसाब से हम लोगों ने प्रोडक्ट को पेयर किया, सेम टू सेम। पेयर करने के बाद उसके बाद अपने को प्रोडक्ट क्या बोले हम लोगों ने कि मिनिमम 6 घंटा से 8 घंटे के बीच, जनरली 6 घंटा और मैक्सिमम 8 घंटे के बाद वो प्रोडक्ट अपने पास बीड के लिए डिस्प्ले होना चालू हो जाता है। पर कल के क्लास में था तो हम लोग आज के क्लास में वो देखने वाले। और क्वांटिटी भी अपने को मेंशन करना पड़ता है कि 1000 क्वांटिटी आपके पास स्टॉक होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे जैसे पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे हम लोग अभी और यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ पे अपने पास अभी दिखना चालू हो गया। कल बता रहा था कि नो प्रोडक्ट फाउंड, आज हमारा ये प्रोडक्ट दिखना चालू हो गया, हम लोगों ने इसको पेयर किया था। तो इसको करेंगे चूज दिस आइटम, और आप लोगों को मैंने बोला था कम से कम 2 प्रोडक्ट पब्लिश करने का, कभी कभी एक जल्दी से अपने को अप्रूवल नहीं मिलता है तो 2-3 करके रख लेने का। तो चूज दिस आइटम आ गया है, ब्रांड वगैरह, प्रोडक्ट का नाम, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ चुका, देखो है ना, ऑटोमेटिकली आ गया, जहां से हम लोगों ने प्रोडक्ट लिया था वहीं से आ चुका है। और फिर हम लोग इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हाँ विजय सर बोलिए। विजय सर अपलोड किया हाँ? तो 7 से 8 घंटे लगेंगे ना इसको हाँ, में। हाँ, और फिर कहाँ पे ये दिखेगा? यहीं पर जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अपने को दिखना चालू हो गया ना अभी, मतलब पार्टिकुलरली हाँ, हाँ, जो बीड के लिए किया था वो बीड में खोलेंगे तो वहाँ दिख रहा है अभी, कल नहीं दिख रहा था, आज दिखना चालू हो गया। पब्लिश किया और उसके बाद तो कल के क्लास के बाद आज का क्लास था तो अपने को दिखना चालू हो गया यहाँ पे, तो मैंने उसको चूज किया और अब इसको करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। क्या आ गया हमारा, है ना, ये टेक्निकल बीड हम लोगों ने कवर कर दिया। अभी आएंगे ऑफर बीड, ऑफर बीड में अपने को कंटिन्यू करेंगे तो ऑफर बीड आएगा यहाँ पे, ऑफर बीड। अब इसकी प्राइस अपने को एक क्वांटिटी का देना है ना, एक क्वांटिटी का रेट। हमारा रेट कितना था इसका, देखा था कि आप लोगों ने यहाँ पे, देखो यहाँ पे रेट कितना था, देखा था सब लोगों ने पार्टिसिपेटेड। देखो फिर से दिखाता हूँ, देखो अभी कभी भी जब इसका रेट कोट करोगे तो एक चीज खाली ध्यान रखने का, ये रेट से आपको कोई मतलब नहीं। आपने ये 15 रुपए डाला है पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एमआरपी से रेट ज्यादा मत डालो। आप डालने के लिए डाल सकते हो पर डालोगे तो बायर रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट एज पर एमआरपी से ज्यादा रेट में नहीं बेच सकते इसके वजह से। तो एमआरपी से ज्यादा मत डालो, बाकी आप कोई भी रेट डाल सकते हो। 15 रुपया जरूरी नहीं कि 15 रुपया, आप 20 रुपया भी डाल सकते हो, 21 रुपये तक भी डाल सकते हो। चूज दिस आइटम सेवन कंटिन्यू, फिर से आता हूँ, अभी यहाँ पे रेट डालेंगे। अभिषेक सर बोलिए। सर ये अपन जो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं वो तुरंत पब्लिश हो जाता है ना? हाँ पब्लिश तुरंत हो जाता है पर डिस्प्ले तुरंत नहीं होता है। वो तो डिस्प्ले अपने कैटलॉग में हो जाएगा खाली, तो इधर नहीं डिस्प्ले, उसको प्रॉपर अप्रूवल होने के लिए 8 घंटे का टाइम लगता है। ओके, मतलब कैटलॉग में दिखेगा डिस्प्ले होने के लिए। हाँ हाँ ओके, खाली बीड के लिए 7 से 8 घंटे लगेंगे। बीड के लिए नहीं, सभी के लिए, वो प्रोडक्ट आपका सिर्फ लिस्टिंग हुआ वो जेम पे आने को 8 घंटा लगेगा। तो L1 वगैरह कर सकते हैं उसमें? हाँ सभी कर सकते हैं, खाली बीड नहीं कर सकते? नहीं बीड भी नहीं, नहीं सबके लिए 8 घंटा। अच्छा मतलब प्रोडक्ट कोई भी चीज के लिए 8 घंटा। हाँ हाँ 8 घंटे के बाद 8 घंटे। हाँ सिंह सर बोलिए। ओके सिंह सर। हाँ सर, कैटलॉग पब्लिश होने के बाद हमें तो दिखा देता है बायर को 8 घंटे बाद दिखाई देता है, लेकिन अगर जैसे 15 रुपए हम लोगों ने शाम को कल कोड किया था फाइल का,
अगर उसको 15 रुपए 50 पैसे करे या 14 रुपए 50 पैसे, फिर से 8 घंटा चला जाएगा, तो 8 घंटा बाद ही वो फिर से, हाँ, दिखाई देगा। हाँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ, कभी कभी ये 2 घंटे में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, कहने का मतलब बायर के कार्ट में डालने के लिए वो 8 घंटे बाद रेडी बराबर है। वो अभी छोड़ दो, अभी हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं कि कोई भी कंडीशन आप जो प्रोडक्ट डालते हो और उसमें कोई भी चेंजेस करते हो, सबको मैं बता देता हूँ एक बात, सब लोग यही क्वेरी पूछ रहे हैं, चाहे आप उस प्रोडक्ट, सिर्फ आपके पास लिस्टिंग हुआ पर उस पे काम यदि करना है, उस प्रोडक्ट का ऑर्डर के रिगार्डिंग कहीं पर भी यूज करना है, तो 8 घंटे का टाइम लग सकता है। आपको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा, चाहे वो बीड में आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त बोलो, ऑर्डर लेते वक्त, कहीं पर भी वो प्रोडक्ट का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ लिस्टिंग हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी यूज करो, यूज नहीं होगा वो प्रोडक्ट, यूज नहीं होगा। तो ये पार्टिसिपेट आ गया, यहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ऑफर प्राइस 15 रुपया रेट था, हम यहाँ पे कम भी डाल सकते हैं, 10 रुपया भी डाल सकते हैं और ज्यादा भी डाल सकते हैं। 10 रुपया डाला, 1000 क्वांटिटी के हिसाब से 10,000 चेंज, हम इसको 21 रुपये डाल देता हूँ, 21,000 आ जाएगा, है ना, बदल गया ऑटोमेटिक। हम डाल सकते, डालने के लिए 25 भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 25 रुपया नहीं डाल सकता, डाल सकता हूँ, बट बायर इसको रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, आप कोई भी प्रोडक्ट एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकते, तो हम 21 तक डाल सकते हैं इनक्रिप्टन से। ओके, ये रेट हमने डाल दिया, ऑफर प्राइस हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इसमें टेंडर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, ये टेंडर खोलो देखो, देख लो, नहीं तो टेंडर यहाँ से डाउनलोड कर लिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स देखो नहीं है, कोई भी नो डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें सिर्फ क्या लगेगा, एटीसी में क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आपको, ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लेटर हेड में प्रिंट करना है, ये वाला पार्ट आपको लेटर हेड में प्रिंट करना है, कंपनी का सील एंड साइन एंड अपलोड। और इसमें यदि कोई डॉक्यूमेंट्स बोला तो इसके साथ वो डॉक्यूमेंट, मान लो इसमें जीएसटी मांग दिया होता, इसके साथ आपको जीएसटी भी ऐड करना पड़ता है ना, सबका एक कंबाइंड पीडीएफ बनाते थे और आप अपलोड करते थे एटीसी में। तो हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स बोला है, तो एटीसी को यहाँ से सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लेटर हेड में प्रिंट करेंगे और उसको सील एंड साइन करके अपलोड कर देंगे यहाँ पे, बस। तो ये एटीसी का हो गया, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बोलता तो यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का ऐसा नाम आता था, सेव हो गया, ईएमडी नहीं है इसलिए ऑटोमेटिकली चला गया, एक्सेप्ट करो वेरीफाई विथ ओटीपी, ओटीपी डाल दो और आपका टेंडर ये सबमिट हो जाएगा। जैसे टेंडर सबमिट हो जाएगा फिर आपको रेट बदलना है, डॉक्यूमेंट्स बदलना है, कोई भी बदलना है, तो यहाँ पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो फिर बाद में आप विड्रॉल करके 3 बार विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको 3 बार कभी भी विड्रॉल करके फिर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बदल के, रेट बदल के, सब कुछ बदल के फिर से आप टेंडर अपलोड कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, इस टेंडर का लास्ट डेट तक, मतलब इस टेंडर का लास्ट डेट कब है, 8/3 को 7 बजे तक आप 3 बार विड्रॉल, टेंडर भरने के बाद भी विड्रॉल कर सकते हो, या फिर आपने यहीं तक भरा, आगे का नहीं भरा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बीड में जाओ, ऑनगोइंग बीड्स में जाओ और ये टेंडर आईडी बोल के सर्च कर दो, तो आपको ये टेंडर दिखना तुरंत चालू हो जाएगा, जहां तक भरा है वहां तक वो सेव रखता है डेटा जेम खुद, या फिर आपने टेंडर को सबमिट कर दिया बाद में लॉग आउट हो गए, वो टेंडर कहाँ पे ढूंढना है, यहीं पर ढूंढना है, जब तक लाइव रहेगा टेंडर यहीं दिखेगा, आपको बताएगा ये टेंडर आपने भर दिया है, इसमें आपको भरा हुआ दिखेगा, ये भी ग्रीन आएगा, फिर बाद में आप यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, वहां से विड्रॉल कर सकते हो। ये छोड़ के आपको एक ऑप्शन है माय रिप्रेजेंटेशन, देखो यहाँ पे माय रिप्रेजेंटेशन, माय रिप्रेजेंटेशन का एक डेट रहता है 4 डेज फ्रॉम बीड पब्लिश डेट, मतलब 26 तारीख को बीड हुआ है तो 30 तारीख तक मुझे माय रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या है, इस बीड के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बायर को क्वेरी डालना है तो आप यहां से उसको क्वेरी डाल सकते हैं। ये होता है माय रिप्रेजेंटेशन, पर इसको कितना दिन मिलता है, सिर्फ 4 दिन, बीड जिस दिन पब्लिश हुआ उसके 4 दिन के अंदर आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते। तो ये नॉर्मल एक सिंगल बीड भरने का पूरा प्रोसीजर था। कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताइए। भास्कर सर बोलिए। हाँ सर, बीड पब्लिश होगा उसके बाद 4 दिन या उसके बाद टेंडर, कि टेंडर के जो सबमिट हम करेंगे उसके बाद 4 दिन? नहीं नहीं, नहीं पब्लिश का, किस दिन पब्लिश हुआ है, 26/2 को पब्लिश हुआ है तो उसके बाद 4 दिन। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ विशाल सर बोलिए। सर ये पहली बात है कि बाबा मेरा सेल
में प्रोडक्ट कोई मेरा नहीं आता कहाँ पे लास्ट टाइम भी आपसे मेरा बात हो गई थी मैं प्रोडक्ट कोई नहीं देता ये प्रोडक्ट का मेरे को कुछ फायदे का नहीं होता मेरा क्या है सर्विसेज देता हूँ मैं सर्विस ठीक है ना हाँ देखो सर हमारा लेक्चर है आपके लिए जरूरत नहीं है पर बाकी लोगों को जरूरत नहीं है ऐसा तो नहीं वैसी वैसी बात नहीं है सर वैसी बात हाँ, नहीं तो मुझे सभी मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा पर हाँ, आपको वेट करना है आपका आपको नहीं लेक्चर है आप म्यूट करके छोड़ सकते हैं आपको इसकी जरूरत नहीं है तो है ना तो फिर हाँ तो जब आपका आएगा हम लोग सब भी पार्ट कवर करेंगे हमारा जब एक बार खत्म हो गया अभी हम लोग हर बार क्लास के बाद आपको क्वेरी का सवाल देते आपको लगा कि आपका टॉपिक कवर नहीं हुआ था आप पूछ लो सिंह सर बोलिए सर एटीसी के बारे में रिपीट कीजिए जो लेटर है एटीसी मतलब आपका जो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे देखो एडिशनल हर एक टेंडर में मिलेगा ये पार्ट को आपको यहाँ से लेटर हेड में डालना है और इसमें यदि कोई डॉक्यूमेंट्स बोला तो वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच होगा नहीं तो सिर्फ जो ऊपर जो जो बायर का ही रहता है ना हाँ ये बायर ही लिख के देता है ना सिर्फ इसी को कॉपी करके अपलोड कर देना है अपलोड करना है लेटर हेड में प्रिंट निकाल के लेटर हेड में प्रिंट निकाल करके उसका पीडीएफ फिर लोड करना पड़ेगा हाँ पीडीएफ बना के अपलोड करना है ओके सर अमित सर जैसे भी हमारा ना जब आपने उसका लिस्टिंग के नंबर पे दिखा रहा है क्या बोले हेलो प्रोडक्ट अपलोड हुआ सर हेलो आवाज आ रही है सर हाँ आ रही है बोलिए हेलो हाँ जो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला फाइल का वो 15 रुपए वो 2100 एमआरपी और आपने उसको ऑफर प्राइस दिया 15 रुपए हाँ ऑफर प्राइस मैंने 15 का दिया था लेकिन बाद में लेकिन बाद में आपने 21 कर दिया तो वैसे ही बिट से भर हो जाएंगे हम नहीं आप होंगे ना क्यों होंगे हमारा वो डायरेक्ट परचेज का रेट ये हमारा बीड का रेट वो जो हम प्राइस डालते हैं वो सिर्फ डायरेक्ट परचेज के लिए डालते हैं बीड के लिए हम अपना प्राइस कुछ भी डाल सकते हैं पर एमआरपी से ज्यादा नहीं ठीक थैंक यू सर थैंक यू विजय सर हाँ सर बोलिए ये सर जो आपने बीड का प्रोसेस बताया है हाँ ये अंडर 5 लाख का है कि अपर कोई सा भी ऐसा कुछ नहीं 5 लाख होने दो या 5 करोड़ होने दो सेम प्रोसेस ओके सेम प्रोसेस ओके चलो क्लियर है यहाँ तक अभी हम लोग फिर सर्विस का बिल देखेंगे